राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ अनुपमा और अनुपम फूड्स चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आज तंदूरी चाय बनाने वाली हूँ जो पीने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बनाती हूँ चाय। चाय बनाने के लिए मैं 2 कप दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप जिस तरह की चाय पसंद करती हैं उस तरह की चाय बना सकती हैं। मेन इसमें कुछ स्पेशल है वो मैं आगे बताऊँगी। तो 2 कप दूध डाल दी हूँ पैन में, गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैं कम लेती हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कर सकती हैं। 2 चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। आप जिस तरह की भी चाय पसंद करती हैं उस तरह की चाय बना सकती हैं। मसाले वाली चाय या प्लेन पतली चाय, जिस तरह की भी आप चाय पसंद करती हैं आप बना सकती हैं। थोड़ा सा इसमें मैं अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैं थोड़ा सा मसाला पाउडर भी डालूँगी, जो चाय मसाला होता है उसका, उसे मैं घर में ही बना कर रखती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए थोड़े से अदरक ग्रेट करके डाल दी हूँ इसमें। अब इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच चाय मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसमें दालचीनी, गोलकी, छोटी इलायची और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब चाय को अच्छे से खोलने देती हूँ। अब तंदूरी चाय के लिए तो चाय आप जिस तरह की पसंद करती हैं बना लीजिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बस इस तरह के एक मिट्टी के बर्तन चाय के लिए आती है, वो हमें चाहिए। इसे भी आग पर रख करके अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। इसे चारों तरफ से घुमाते हुए हमें अच्छे से गर्म करना। तो जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक इसे भी अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ। ए लीजिए फ्रेंड्स, ये मिट्टी के बर्तन जो वो जिसे गर्म करके रखे थे, देखिए बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। ये जितनी अच्छी तरह से गर्म होगा उतना ही टेस्ट हमारे चाय में आएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड, ये अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसे एक बर्तन में रख दे। अब जो हमारी चाय बन गई थी उसे इसमें इस तरह से छान देती हूँ। चाय को तो छान दी हूँ, अब इसे इसमें अच्छी तरह से इसको डिप कर दे रही हूँ ताकि मिट्टी का जो भी फ्लेवर है इस चाय में अच्छे से आ जाए हमारा। ये देखिए हमारी तंदूरी चाय बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी कप में सर्व कर सकती हैं, मिट्टी के कप में या जिस कप में आप पसंद करती हैं पीना उस कप में इसे सर्व कर सकती हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी से आप चाय बनाकर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है पीने में, बिल्कुल ही अलग चाय का फ्लेवर आ जाता है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूरी तंदूरी चाय बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।